आज के मुख्य अतिथि महोदय स्वामी ज्ञातानंद जी, प्रमुख आचार्य रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, आदरणीय इंद्रेश जी, प्रमुख भारत समरसता मंच, विशिष्ट अतिथि श्री पीसी पतंजलि जी, पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सुरेंद्र केंदू जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ आयोग, मंच पर आसी वाइस कुलपति जी दुर्ग विश्वविद्यालय एवं सलीम राज जी, सभागार में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, प्रतिभागीगण, प्रेस मीडिया से आए हुए बंधु, आप सभी का मैं यह राष्ट्रीय समरसता संगोष्ठी सामाजिक समरसता में छत्तीसगढ़ का योगदान में दुर्ग विश्वविद्यालय व शंकराचार्य महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैसे 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ, किंतु इस क्षेत्र में युगों से अद्भुत सांस्कृतिक समन्वय एवं सामाजिक समरसता की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही है। सभी वर्गों व धर्मों के बीच परस्पर प्रेम व सद्भावना हमारे राज्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। परस्पर स्वभाव सद्भाव के रूप में चादर ओढ़े छत्तीसगढ़ में अनेक सुनहरे धागे हैं। इनमें से एक ताना बाना महान संत गुरु गाली घासीदास की सर्वजन समान लोकधारा का है, तो दूसरा धागा गुरु बालक दास जी के जनहित कार्यों का है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के अवदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। वही मीने माता के भी उल्लेखनीय कार्य हैं। यहाँ के साहित्यकारों ने मानव एकता, सार्वभौमिकता, समरसता व शांति की महा यात्रा पर बहुत जोर दिया है। मैं आज की विभूतियों जिन्हें इंद्रेश जी के वर्ग हस्तों द्वारा सम्मानित किया जाना है, उनके भी कार्य समरसता क्षेत्र में वंदनीय हैं। यहाँ पर उपस्थित श्री आई पी मिश्रा जी, बुद्री तापी जी और सम्मानीय शमशाद बेगम जी जो बस अब आ ही रही हैं, उन सबको आज इस मंच से भारत समरसता मंच दुर्ग विश्वविद्यालय व शंकराचार्य महाविद्यालय द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा आपके इस पुण्य कार्यों के लिए जो आपने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। मैं आपके नाम सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस ब्रांड के साथ कि छत्तीसगढ़ का योगदान हमेशा समरसता व सद्भावना के लिए आगे बढ़ता रहेगा व एक अखंड राष्ट्र की कल्पना जो हमने की थी, अगर बच्चों की भांति हमारा स्वभाव निश्चल हो जाएगा तो जरूर हम इसको पा पाएंगे। इसी के साथ मैं मंच पर आसी व इस सभागार में सुशोभित करते हुए दिग्गजनों का पुनः धन्यवाद व अभिनंदन करती हूँ। औपचारिक उद्घाटन हो चुका है और इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी संस्कृति की स्वागत परंपरा के अनुसार अतिथियों के स्वागत की प्रक्रिया हम अध्यक्ष की अनुमति से प्रारंभ करते हैं। मंच पर मंचस्थ है हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि स्वामी व्याकानंद जी,